दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, कर्मियों व उनके परिवारों के लिए एक 5 सितारा होटल में 100 कमरों का कोविड-19 देखभाल केंद्र बनाने का आदेश वापस लेने संबंधी मंगलवार को निर्देश जारी किए हैं। इससे कुछ ही घंटे पहले अदालत की एक पीठ ने कहा था कि उसने इस प्रकार का केंद्र बनाए जाने का कोई अनुरोध नहीं किया है। आपको बता दें, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार देर रात ट्वीट किया कि अशोका होटल में न्यायाधीशों के लिए कोविड-19 देखभाल केंद्र बनाने संबंधी आदेश वापस लेने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया कि इस आदेश को तत्काल वापस लेने के निर्देश जारी हो चुके हैं। इससे पहले दिल्ली सरकार के सूत्रों ने दावा किया कि ये आदेश मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और यहां तक कि स्वास्थ्य मंत्री की जानकारी के बिना जारी किया गया है। सूत्रों ने कहा कि सिसोदिया ने यह पता लगाने के लिए आदेश संबंधी फाइल मंगाई है कि इसे पारित कैसे किया गया। आपको बता दें, इसका संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि उसने अपने न्यायाधीशों और अपने कर्मियों और उनके परिवारों के लिए किसी 5 सितारा होटल में कोविड-19 केंद्र बनाने का कोई अनुरोध नहीं किया है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।